क्लास सिक्स के स्टूडेंट देखें, ज्योग्राफी में आप लोग कर रहे थे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर वन का सोलर सिस्टम में द अर्थ इन सोलर सिस्टम। इसमें आज स्टार्ट करना है, आज के वीडियो में आपको सेंड किया जाएगा पेज नंबर 7 पर। ज्योग्राफी की बुक जब आप खोलेंगे तो पेज नंबर 7 पर आपको मिलेगा 2 नंबर देकर लिखा है टिक द करेक्ट आंसर, सही आंसर पर निशान लगावे। जैसे ऑप्शन दिया है, बहुत इसमें ऑप्शन दिया है ए बी करके दिया है, ए में 3 ऑप्शन दिया है द जुपिटर नोन एज द अर्थ ट्वीन, जैसे जुपिटर सैटर्न विनस, इस तरह से बी करके दिया है विच इज द थर्ड नियरेस्ट प्लानट टू द सन वेनस अर्थ मरकरी, इस तरह से सी डी करके दिया है ई तक। तो इसमें देखें ई तक इसमें 3 ऑप्शन दिया है सब में, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर हम सही के निशान लगाएंगे। जैसे पहले में लिखा है द प्लानट नोन एज द अर्थ इज ट्वीन इज, आप जब भी पढ़ें वीडियो देखें तो अपनी बुक भी खोल लें ताकि आपको दो दिखाई दे कि मैं कहाँ बोल रहा हूँ। उस पेज पर आप पेज के साथ साथ वीडियो भी देखें, किताब खोलकर किस पेज पर क्या बोला जा रहा है। तो आप पहले ए में टिक लगाएंगे वेनस पर, ए का थर्ड सही है, उसी में बी देखते हैं, बी में आप टिक लगाएंगे लिखा है विच द थर्ड नियरेस्ट प्लानट टू द सन, तो उसमें हो जाएगा अर्थ, तो बी में दूसरे नंबर का है उसमें टिक लगाएंगे। फिर सी में लिखा है ऑल प्लानट मूव अराउंड द सन इन ए, सभी ग्रह सूर्य की चारों ओर चक्कर लगाते हैं, तो कहाँ चक्कर लगाते हैं, तो इस तरह से उसमें जो तीसरा दिया है इलोगनेटेड पाथ उस पर टिक लगाएंगे। और डी में दिया है पोलर स्टार इंडिकेट्स द डायरेक्शन टू द, इस तरह से तो किधर संकेत करता है, तो पोलर स्टार किधर जाता है संकेत करता है, पोलर स्टार किधर रहता है, तो नॉर्थ, उसके लिए नॉर्थ उपयुक्त है, नॉर्थ टिक लगाएंगे। और इस तरह से ई जो है पेज नंबर 8 पर आपके बुक में खुलेगा, ई करके पेज नंबर 8 पर देखें लिखा है ई में एस्ट्रोनॉट्स आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ, ये किसके बीच पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं मार्स एंड जुपिटर, जोड़ा जोड़ के दिया है सैटर्न एंड जुपिटर, मार्स एंड जुपिटर, अर्थ एंड मार्स, इस तरह से तो मार्स एंड जुपिटर पर निशान लगाएंगे। इसके बाद लास्ट इसमें दिया है थर्ड करके फिल अप द ब्लैंक्स, खाली स्थान भरें, इसमें दिया है ए बी सी डी ई तक, तो इस तरह से भरेंगे। तो लिखा है ग्रुप ऑफ स्टार्स भर देंगे एंड कॉल्ड ए कॉन्स्टेलेशन भर देंगे, फिर बी में भर देंगे ए गैलेक्सी, सी में भरेंगे शुरू में द मून, डी में भी शुरू में भरेंगे द अर्थ, यानी अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लानट द सन, और ई में भरेंगे दो जगह खाली दिया है प्लीज प्लानट्स डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। सो दिस इज द फिनिश ऑफ एक्सरसाइज ज्योग्राफी चैप्टर 1। इस तरह से आपकी ज्योग्राफी चैप्टर 1 की एक्सरसाइज फिनिश होती है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे, सेकेंड चैप्टर की जो भी आर्टिकल स्टेटमेंट्स होगा, जो भी पॉइंट पॉइंट और फोकस करने वाले पॉइंट होगी उसको आपको बताया जाएगा।